घूमने वाली किताब बनाएं। इसके लिए दो चौकोन कागज़ लें, दोनों चौकोन को एक साथ रखकर 16 छोटे छोटे हिस्से बनाएं। इसके लिए सबसे पहले दरमियान से तय करें, फिर दोनों तरफ से तय कर लें। इस तरह से दोबारा करें और 16 हिस्से हो जाएंगे। अब एक कागज़ को दरमियान से काट लें, जिससे 4x2 के दो टुकड़े मिलेंगे। दूसरे कागज़ के तीन हिस्सों को काट लें। फिर इस कागज़ के दरमियान के खत कशीदा हिस्से में गोंद लगाएं और फिर और इस पर 4x2 का एक टुकड़ा अंदर तय करके उल्टा चस्पा कर लें। अब जो आखिरी हिस्सा बचा था, इसे भी काट कर अलग कर लें। फिर 4x2 का टुकड़ा लें और यहाँ भी गोंद लगाकर इसे उल्टा तय करके चस्पा कर लें। अब आपकी 14 सपाती किताब तैयार हो गई। इसे आप लगातार घुमा सकते हैं। ये कभी ना ख़त्म होने वाली किताब है। इसमें आप 1 से 14 तक नंबरात लिखें, फिर घुमाएं, लिखें 4, घुमाएं 5, 6, 7, 8, फिर लिखें 9, 10, 11, 12, लिखें घुमा कर लिखें 13 और ये 14। इस किताब का आखिरी सफ़ा है। आप इसको लगातार घुमा सकते हैं। ये कभी ना ख़त्म होने वाली किताब है ना मज़ेदार। अब आप कोई कहानी सोचें और इसको 14 तस्वीरें बनाएं। इस तरह से आप कभी ना ख़त्म होने वाली किताब बना सकते हैं।